आरटीओ कार्यालय पर डीएम का छापा, एक युवक को लिया हिरासत में, दलाली को लेकर मारा गया छापा। यूपी के रामपुर में दलाली को लेकर बदनाम आरटीओ कार्यालय में दलालों के जमावड़े की सूचना पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने एआरटीओ दफ्तर पर छापा मार कार्यवाही की है, जिससे लोगों में मचा हड़कंप। औचक निरीक्षण में अनाधिकृत लोगों को देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, साथ ही कई दस्तावेज को भी अपने कब्जे में लिया है। जांच के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यालय में पहले भी मार चुके हैं डीएम छापा। डीएम साहब, आज आपने आरटीओ ऑफिस पे छापा मारा है, क्या कमी आपको मिली है यहाँ? कुछ शिकायतें थी जिसकी वजह से यहाँ पे आज निरीक्षण किया गया, उसमें ज्यादातर लोग गैर हाजिर मिले, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। एक कुछ अनाधिकृत लोग भी यहाँ पे कार्यरत मिले, उनमें से एक व्यक्ति जो और मकान मालिक खुद इसमें जो शामिल मिले, उनको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद की कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पे दलाली का एक प्रचलन चला सा आ रहा है, अधिकारियों की क्या मिली भगत है इसमें? क्योंकि बिना सारा काम अधिकारियों से ही होता है, सारा काम आरटीओ विभाग से ही होता है, तो क्या उनकी मिली भगत से सारा काम हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सारी चीज़ों की जाँच करेंगे और निश्चित रूप से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चलने देंगे जो जनहित में जनहित के खिलाफ हो। ये कार्रवाई सारी इसीलिए की गई है और आगे भी इसको सुधारने के लिए जितनी जो भी कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी वो हम बिल्कुल। अभी किसी को हिरासत में लिया है? अभी एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं जो यहाँ का मकान मालिक है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए तो एक व्यक्ति कुछ कागजों के साथ मौजूद था, वो यहाँ से कूद कर उस मकान में फरार हो गया और वो मकान मालिक को अच्छी तरह पता था क्योंकि इसके पहले उससे संपर्क में था, उससे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। हो सकता है मकान मालिक की भी इसमें मिली भगत हो, पूछताछ के बाद जो भी होगी कार्रवाई की। आपने जब छापा मारा तो यहाँ से कुछ लोग फरार भी हुए, उन्हीं लोगों की पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे दलाली हो रही है। अब वो क्यों भागे, इन सारी चीज़ों की जब जानकारी ले लेंगे उसके बाद उस हिसाब से। सर, आप जब सारे अफसरानों के साथ अंदर प्रवेश किया तो आपने किन किन चीज़ों को देखा? देखिए, एक तो जगह की कमी है यहाँ पे, हमारा ऑलरेडी जमीन का प्रस्ताव गया हुआ है, इस जगह को शिफ्ट करने की ज़रूरत है और अगर किराए पे ही इसको चलना है तो हम इसको अभी बेहतर जगह पे शिफ्ट करेंगे जहाँ ज़्यादा जगह हो और लोगों को सहूलियत हो। निश्चित रूप से सहूलियतें यहाँ पे लोगों को कम है, बहुत कंजेस्टेड जगह है और ऐसी जगह पे बहुत सुविधाजनक तरीके से काम नहीं हो सकता। आज ही इस पर निर्णय लेंगे और इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कराएंगे, काफ़ी हमने चिन्हित भी किया है, उन जगहों पर ले जाएंगे। अभी किन किन की कमियाँ सामने आ रही हैं प्रथम दृष्टया? देखिए, मैंने एक आपसे कहा था, एक तो जगह की कमी है, कंजेस्टेड है, दूसरी जो यहाँ पे काम करने वाले क्लर्क हैं वो समय से यहाँ पे नहीं आते हैं शिकायत की, और आज मैंने इसको सही पाया, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरीके से जो संविदा के लोग हैं उन लोगों के भी कार्यों में कई सारी तरीके की कमियाँ दृष्टिगत हुई हैं, उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो दलाल हैं यहाँ पर, ये कब आना बंद हो जाएंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सब कुर्सियाँ ऐसी पड़ी है जैसे यहाँ पर बहुत पुराना जमावड़ा लगता हो। ये हमारी सारी कोशिश इसी चीज़ के लिए, ये कार्रवाई इसी चीज़ के लिए की गई है और ये दलाली प्रथा को यहाँ से खत्म कर देंगे। मकान मालिक पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है अगर कुछ पूछताछ के बाद? निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।